देखिए, माननीय आचार्य प्रमोद कृष्णन जी से हमारी मुलाकात दिल्ली हुई। आपने निमंत्रण दिया, बताया, तो हमने आपके निमंत्रण को स्वीकार किया और आज भगवान कल्कि महाराज जी के आश्रम में आने पर मुझे वो दृश्य याद आया कि जब जब धरती पर जुल्म जाति अत्याचार बढ़ा है, तब तब भगवान विष्णु ने अवतार लिया और देश में जो जुल्म जाति अत्याचार करने वाले लोग उनका नाश किए हैं और आने वाले दिनों में भी ये क्रम चलता रहेगा। तो आज यहाँ आकर के हमने अपने को धन्य समझा कि आज आचार्य जी के आशीर्वाद मिला। से राजनैतिक तो हम लोगों की मुलाकात होती रहती थी, लेकिन आज यहाँ आने के बाद मुझे बहुत अपने आप को गर्व महसूस हो रहा है कि मुझे बहुत पहले आना चाहिए था। हाँ, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। राजवर्ती इनको आचार्य जी को जो है भाजपा में जो है कब तक क्या बीजेपी में लाने की जो तैयारी है, तो जिस तरह का कि लगातार बयानबाजी भी जो चल रही है आचार्य जी की। ये सवाल तो आपसे ही पूछेंगे तो बेहतर बताएंगे। आज जो देखे, यहाँ जो हम लोग आए हैं उस वो मकसद नहीं है। मकसद आज सिर्फ आज महोत्सव है, उस महोत्सव में सम्मिलित होने के लिए हम लोग मंत्री कब तक? आए। मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो राज्यभर मंत्री जरूर बनेगा। स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार समाजवादी पार्टी के नेता है, वो लगातार जो है सनातन पर जो है गलत टिप्पणी कर रहे हैं, पहले रामचरितमानस पर और अब माँ लक्ष्मी के लिए जो की गई, क्यों देखिए, वो मानसिक कर रहे हैं? संतुलन खो बैठे हैं। वो संविधान को नहीं मानते। 5 साल लगातार भारतीय जनता पार्टी में मिनिस्टर थे, तब उनको ये सब चीज़ें याद नहीं आई। चार चार बार बसपा की गवर्नमेंट में मिनिस्टर थे, तब भी ये बात याद नहीं आई। सत्ता से बेदखल होने के बाद वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं, इस नाते इस तरह की अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। सनातन को पार्टी बना रहे हैं, बिल्कुल मतलब सटीक इस तरह के जो बोल रहे हैं, तो क्या मानते हैं सबको, इधर पार्टी का कहने के बावजूद हो रहा है या क्या मानते हैं? ये समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी के इशारे पर हो रहा है। शायद आपको याद होगा, रामलोटन निषाद ने भी एक बार इसी तरह की टिप्पणी की थी, तो उस समय अखिलेश यादव जी ने रामलोटन निषाद को पार्टी से निष्कासित कर दिया था। और आज वही बयान, उसी तरह की टिप्पणी करने वाले व्यक्ति को बगल में बैठा करके चाय पिला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं संरक्षण अखिलेश जी का दिख रहा 2024 में क्या रहेगा, अखिलेश कुछ कर पाएंगे इंडिया के साथ मिलकर? है विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब समाजवादी पार्टी पतन की ओर है, उसका कारण है जो नारा उन्होंने दिया सामाजिक न्याय की, तो सामाजिक न्याय का नारा दे करके देश और प्रदेश में रहने वाले जितनी भी लोग हैं उनके साथ अन्याय किया। सिर्फ एक जाति के साथ सामाजिक न्याय उनका दिखा और 27% जो पिछड़ों का आरक्षण मिला, 3 सितंबर 2013 को हाईकोर्ट ने कहा था कि उत्तर प्रदेश सरकार 27% आरक्षण का लाभ कुछ जातियां उठा रहे हैं, इसको बांट करके सबको दे। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी थे, उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो हक लूटते रहे और गरीब कमजोर को उनके लोग उनके इशारे पर सताते रहे। यहाँ तक अगर आप देखिए, 18% मुसलमान वोट देता है समाजवादी पार्टी को। अब वो भी समझ गया है कि नफरत के अलावा समाजवादी पार्टी ने कुछ नहीं दिया। जुल्हा दुनिया अंसारी, साईं दर्जी, फकीर शेख सैयद पठान, आप अगर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार 4 बार थी, खुद अखिलेश जी 5 साल थे, क्या उनको राजनीतिक भागीदारी कह लीजिए या नौकरियों में हिस्सेदारी कह लीजिए। हम लोग संभल जिले में हैं, इसी संभल जिले में अगर आप टटोलेंगे तो पुलिस की भर्ती में अगर उठा के देखिए तो किसी थाने पर तुलना करिएगा, तो जहां 8% मुसलमान यादव और 18% मुसलमान, तो थाने पर 7-8 सिपाही एसआई यादव मिल जाएगा। लेकिन
मुसलमान नहीं मिलेगा जो उनके साथ 18% वोट देता है, उसको सिर्फ नफरत दिया है, बीजेपी से भय दिखाया है, डर दिखाया है और उनके हक को लूटा है। 2024 के गठबंधन को लेकर क्या मानते हैं जो इंडिया नाम से गठबंधन है? देखिए वो गठबंधन नहीं है, आपने देखा कि खासतौर से जो उभर करके परिदृश्य आ रहा है मध्य प्रदेश के चुनाव में, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी के बयान सब लोग सुने हैं, कांग्रेस पार्टी को यहाँ तक कह देना कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी एक ही हैं, दोनों मिलके लड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी चालू पार्टी है, कांग्रेस पार्टी को वोट मत देना, ये कौन सा तरीका है? तो आप चुनाव लड़ रहे हो, कह रहे हो कि कांग्रेस पार्टी को वोट मत देना, तो खुल के क्यों नहीं प्रचार करते कि भारतीय जनता पार्टी को जिताना है, भारतीय जनता पार्टी मजबूत रहेगी तो समाजवादी पार्टी मजबूत रहेगी, जिस दिन कांग्रेस पार्टी मजबूत हो जाएगी उस दिन समाजवादी पार्टी खत्म हो जाएगी।